इस नीम के पत्ते को देखिए, इसमें कई सारे गुण हैं। कई सारे रोगों का अंत करने के लिए ये नीम औषधि बनता है। इस वातावरण के लिए भी श्रेष्ठ है, हमारे शरीर के लिए भी श्रेष्ठ है। किंतु जब इसे चखोगे तो जानोगे कि ये नीम का पत्ता तो कड़वा है। अब नीम का ये पत्ता कड़वा है, क्या ये बुरी बात है? तो कड़वा होना बुरी बात है? देखिए, नीम कड़वा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वैसे ही आम मीठा है, इसमें आम की कोई महानता नहीं है। क्या तय करता है कि क्या मीठा है और क्या कड़वा है? जिह्वा। हमारी ये जिह्वा हमें बताती है कि ये मीठा है, वो कड़वा है, और इस जिह्वा को मिठास प्रिय है। इसी प्रकार यदि आप नीम की भांति हैं, आप में कई श्रेष्ठ गुण हैं, आप जानते हैं, आप सत्कर्म कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, किंतु कोई ऐसा है जो आपको समझ नहीं पा रहा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सम्मान नहीं दे रहा है, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप अपना कर्म करते जाइए। यहां समस्या और दोष है तो उस व्यक्ति के परखने की शक्ति में। आप बस स्वयं को विकास की ओर ले जाइए, सत्कर्म करिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।